नमस्कार दोस्तों, मार डिजिटल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको इंडियन नेवी MR की रिक्वायरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, जो कब से प्रारंभ होने वाले फॉर्म और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी और किस तरीके से जो है फॉर्म अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथ ही आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोस आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। साथ ही फ्रेंड्स, हमारा एक और चैनल प्रारंभ हो चुका है MDS टेक एंड न्यूज, जहां पर आपको टेक्निकल न्यूज एंड सभी प्रकार की वीडियोज न्यूज वगैरह सब आपको इस चैनल पर भी मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्टली जाकर के सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर। यहाँ सिंपली आपको गूगल में डाल देना है ज्वाइन इंडियन नेवी और डालने के बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपको सबसे ऊपर दिखेगा ज्वाइन इंडियन नेवी लॉग इन। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है नया इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा, अभी आपके सामने आने वाला है, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अभी अगर आप SSR AA का फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें MR की जानकारी चाहिए तो हमें सिंपली इसको क्या है, होम पर जाना होगा। जैसे हम होम पर जाएंगे, होम पर जाने के बाद आपको इस तरीके से जो है इंटरफेस आ जाएगा, जो कि वेबसाइट का इंटरफेस है। और यहाँ पर आपकी जो न्यूज़ चल रही है, यहाँ पर आपको MR वगैरह सब न्यूज़ आपको दिखेंगी। और साथ ही आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी देते हैं, तो हमने नोटिफिकेशन जो है ओपन कर रखा है इस तरीके से। जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसकी पात्रता क्या है, जो सब पूरी पात्रता जो है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको इंडियन नेवी, द इंडियन नेवी ये लिखा हुआ है। इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द अनमेरिड मेल कैंडिडेट फॉर द एनरोलमेंट एज SA फॉर द मैट्रिक रिक्रूट MR अक्टूबर 2020, बैच फॉर द कोर्स कमीशनिंग अक्टूबर 2020। इसके बाद आती है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और आपके यहाँ देख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द अनमेरिड कैंडिडेट, जो कि आपको बता चुका हूँ। और अप्रॉक्सिमेटली जो वैकेंसीज हैं वो 400 मैट्रिक रिक्वायरमेंट MR के लिए जो वैकेंसीज हैं। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अथवा 10th या समकक्ष आपका जो हो वो एजुकेशन आपका हो सकता है ऑल ओवर इंडिया की किसी भी बोर्ड से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ ही जॉब स्पेसिफिकेशन, इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको जॉब MR में किस किस के मिल सकते हैं, चीफ चीफ स्टीवर्ड एंड हाईनेस। तो इसमें सेफ में जो सेफ है वो सेफ रहता है आपका खाना बनाने वाला, स्टीवर्ड रहता है परोसने वाला, और आपका हाइब्रिड दे विल बी रिक्वायर्ड टू द क्लीन वाशरूम, जो वाशरूम उसको साफ करने के लिए रहता है। साथ ही आपका 4 पॉइंट आता है एज, एज इसमें 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2003 तक आपका होना चाहिए। इन डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या ये या फिर इनके बीच की डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप ओवर एज माने जाएंगे। पे स्किल्स का रहेगा 14,600 पीरियड में आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका जो जाएगा, 5,200 पर मंथ जो ग्रेड पे रहेगा उसका, जो 5,200 रुपये तक रहेगा। साथ ही प्रमोशन आपको एक प्रमोशन तो मास्टर चीफ ऑफ पार्टी ऑफिसर फर्स्ट तक का जो उसमें प्रमोशन भी रहता है। इंश्योरेंस कवर रहता है आपका 50 लाख रुपये का इसमें। साथ ही सिलेक्शन क्राइटेरिया रहती है PFT की, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा इसमें आपका 30 मिनट्स ड्यूरेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो ड्यूरेशन रहेगी आपको 30 मिनट्स की रहेगी। 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और द कैंडिडेट आज रिक्वायर्ड पास इन ऑल सेक्शन एंड द एग्रीगेट टू नेवी एंड वॉज टू द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड एग्रीगेट, जो सभी सब्जेक्ट जिसमें रहेंगे उन सभी सब्जेक्ट में आपका पास होना अनिवार्य है, जिसमें सब्जेक्ट आपके साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज रहेगा। साथ ही आपके पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसरिंग 1/4 1/4 की आपकी मदद आंकड़े रहेगी, जिसमें 0.25 बोल सकते हैं इसको, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा, साथ ही आपका सही में से आपका 0.25 जो है माइनस मार्क हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका PFT में आपका जो रहेगा आपकी सेम जो है PF क्वालिफिकेशन फिजिकल फिटनेस PFT इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन की मैंडेटरी है। PFT विल बी कंसिस्टेड ऑफ द 1.6 किलोमीटर रन टू कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स में, 20 स्क्वेट्स एंड उठक बैठक एंड 10 पुशअप। कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल डू सो देयर ऑन रिस्क, जो अपने इस रिस्क पर देने होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो हाइट है 157 होना चाहिए और वेट आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए। साथ ही आपका जो है चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड फ्लाव एक्सपेंशन होना चाहिए, फ्लाव के साथ होना चाहिए आपका कुछ भी हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर तक आपका फूलना चाहिए।
आई सेड आपका 6x6 का सही होना चाहिए, रोज ई 6x9 एंड वेटर 6x6 अगेन ग्लासेस के साथ में, और एप्लीकेशन डिक्लेयर द पेमेंट मेडिसिन अनफिट बाई एनी आर्म फोर्स, अगर आप किसी भी आर्म फोर्स से अगर पहले से अनफिट हैं तो प्लीज वोट ना डालें, और साथ ही टैटू वेटू आपके पास है तो टैटू वेटू का भी आप ना डालें, और जहां तक है आप इसका डिटेल्स पूरा पढ़ें, पर इसमें लिखा है परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑफ इनर फेस ऑफ फॉर्मर्स आई ई फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द राइट रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स रिजर्व साइड ऑफ पाम बैक डोर्सल साइड ऑफ हैंड परमानेंटली बॉडी द टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड द कैंडिडेट विल बी बार्ड फ्रॉम द रिक्वायर्ड, जो दिया है इसके अंतर्गत जो फॉर्म बैक यहाँ तक मान किया जाएगा, इसके अलावा जो है अलग जगह पर आपका है टैटू कहीं भी तो आपका जो है जॉब से निष्कासित किया जाएगा, आपको जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ट्रेनिंग एंड इनिशियल जो माइंड रहेगा द ट्रेनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इन अक्टूबर 2020 विद 15 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का फॉरवर्ड बाय द प्रोफेशन द ट्रेनिंग इन द अलॉटेड ट्रेड इन वेरियस नवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ट्रेड विल बी अलॉटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी, साथ ही आपके एप्लीकेशन फीस 215 रहेगा और SC और ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। पेमेंट आप UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रुपए कार्ड जिससे भी करना चाहते हैं पेमेंट आप कर पाएंगे सिंपली। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारी, साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपके लिए आती है मुख्य डेटें कि कब तक ये फॉर्म चलेंगे और लास्ट डेट कब है। तो 23 तारीख नवंबर 23 नवंबर 2019 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 28 नवंबर 2019 तक आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन चलेंगे, और ये आपके ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे। ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट GOV.IN से आप एंट्री करोगे फॉर्म, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्रेंड्स मैं जैसे ही इसके स्टार्ट होंगे मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है फॉर्म में अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्लीज प्लीज वीडियो को हमें उत्साह करने के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।